सो मैंने थोड़े साल पहले ही CS क्लियर करा था इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद एन ऑल इंडिया रैंक। एंड ना मैंने कुछ 24 24 घंटे पढ़ाई करी थी उसके लिए, ना मैंने मेरा सोशल लाइफ को छोड़ दिया था, ना मैंने कुछ सॉलिड लाइफ लॉन्ग सेक्रीफाइसेस करे थे, एंड ना मैं पढ़ाई के नाम पे रोती थी। बल्कि इट वॉज वेरी रिलेटिवली स्मूथ एंड एफर्टलेस प्रोसेस फॉर मी, बिकॉज आई हैव स्टडीड स्मार्टली एंड इफेक्टिवली। लाइक यू नो, हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है, अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। सो इस वीडियो में मैं वही एग्जैक्ट स्टडी स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ मेरे, जिसके वजह से मैं बहुत कम पढ़ती थी, बट जितना भी पढ़ाई करा था, जैसे भी पढ़ाई करा था, उसी की वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी CS एग्जाम, जहाँ पे सिंगल डिजिट पासिंग परसेंटेज आता है विद इन ऑल इंडिया रैंक। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है रिवाइज एज अर्ली एज पॉसिबल, एज मच अर्लियर एज पॉसिबल। ठीक है, सो हम क्या सोचते हैं ना यार, आप भी रिलेट कर पाओगे, कि चलो पहले पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रिवीजन पे फोकस करेंगे। क्योंकि पढ़ाई हमारा जो है इतना वास्ट है पोर्शन, कि हम पढ़ाई के ऊपर ही नहीं आते, एंड हम सोचते हैं रिवीजन एंड में करेंगे। बट वो एंड जब आता है तब बहुत लेट हो गया होता है, एंड तब भी हम हार मान लेते हैं कि भाई करे तो करे क्या। ठीक है, तो एंड मोमेंट पे अपने आप को प्रेशराइज फील मत करवाना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर दो। फॉर इंस्टेंस, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रिवाइज करो कि पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया था, लेक्चर खत्म होने के बाद रिवाइज करो कि आपने क्या क्या पढ़ाई करा है। सो इस तरीके से आप साइमल्टेनियसली रिवाइज कर सकते हो। यू नो, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड रिकॉल टेक्निक, जिसका मतलब क्या है कि आप रात को आंख बंद करके रिकॉल करते हो कि यार आपके साथ आज क्या क्या हुआ, कब क्या हुआ, आपने कैसा फील करा। सिमिलरली आप अपने पढ़ाई में ये टेक्निक यूज कर सकते हो, जब भी लेक्चर कंप्लीट होता है और आप थोड़े फ्री हो जाते हो, आंखें बंद करके रिकॉल करो कि आज लेक्चर में सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, स्टार्टिंग में आके सर ने क्या बोला था। इससे आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगी, या आपको लॉन्ग लर्न में ज़रूर इसका डिफरेंस देखने मिलेगा। सो रिवाइज एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज टेस्ट योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ फियर ऑफ गिविंग टेस्ट, वो लोग डरते हैं टेस्ट के नाम से ही तो। एंड दूसरी बात, तो लोग ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, हम टेस्ट क्या दें। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। आपको ये एक नॉर्मल स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे कि पहले पढ़ाई करना है फिर टेस्ट देना है, यहाँ पे आप टेस्ट देते देते पढ़ोगे। ठीक है, सो यू हैव टू सेट टारगेट डेली। आपको डेली ये टारगेट रखना है कि डेली मैं एक टेस्ट तो दूंगी ही दूंगी। अगर आपके क्लासेस में टेस्ट नहीं होता तो ऑनलाइन ऐप्स आते हैं, फ्री ऐप्स आते हैं जिसमें आप टेस्ट दे सकते हो। आप कोई टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो जिसमें आप टेस्ट दे सकते हो, या तो बेस्ट होता है मॉड्यूल के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपना जो ये स्टडी जर्नी है उसका किक ऑफ कर सकते हो। इससे मुझे याद आया कि अगर आप अपने स्टडी लाइफ में भी किक ऑफ करना चाहते हो, तो मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग न्यूज़ है। वो ये है कि अन एकेडमी में अनलॉक 20 चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपको हर एक फीस में 20% ऑफ मिलेगा। नाउ ये 20% ऑफ आपको तभी मिलेगा जब भी आप मेरा कोड CS नेहा यूज़ करते हो। ये एप्लीकेबल है ऑल CSET एडमिशन्स पे, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में, ऑल्सो इन CS प्रोफेशनल में 20% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप एक ट्रस्टेड क्लासेस में जाना चाहते हो, अच्छे स्कोर से पास होना चाहते हो CS में, सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट अन अकेडमी। गो यूज माई कोड CS नेहा एंड अनलॉक योर 20%। जो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो है एलिमिनेट स्यूडो स्टडी। नाउ व्हाट इज स्यूडो स्टडी? यू नो, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर जून का एग्जाम आ रहा है तो हम एक साल पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अगर दिसंबर में एग्जाम है, बस 2 3 पेपर बचे हैं, तो बहुत जल्दी पेपर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। बट हम उस टाइम पे पढ़ नहीं रहे होते हैं, हमको बस लग रहा होता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम बस थोड़ा बहुत ऊपर से मॉड्यूल देख रहे होते हैं, थोड़ा बहुत लेक्चर सुन रहे होते हैं, बट दैट इज़ नॉट स्टडिंग। यू नो पेरेटो प्रिंसिपल, 80% ऑफ आउटकम इज बिकॉज ऑफ 20% ऑफ इनपुट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 80% एग्जाम का रिजल्ट है वो आपके 20% स्टडी से आने वाला है।
तो व्हाट इज दिस 20% स्टडिंग? नाउ आप पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप अपने मॉड्यूल को रीड कर सकते हो, आप समराइज नोट्स बना सकते हो, ये आ जाता है 20% स्टडिंग में. बल्कि आपको वो 80% स्टडिंग पे इतना फोकस नहीं करना जिसमें आप सोते सोते लेक्चर्स देख रहे हो, सोते सोते मॉड्यूल रीड कर रहे हो, बैकलॉग देख रहे हो, वो आपका 80% पढ़ाई हो गया. आपको आपके 20% पढ़ाई पे फोकस करना है जिससे आपको 80% रिजल्ट आने वाला है. सो प्रायोरिटी दो अपने 20% पढ़ाई पे और उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो. फोर्थ स्ट्रेटेजी इज सेल्फ इम्पोज टाइम कॉन्स्ट्रेंट. नाउ यू ऑल कैन रिलेट दिस कि जब कभी हमको असाइनमेंट दिया जाता है कॉलेज में, कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक महीने पहले दे देते हैं, हम अभी बहुत रिलैक्स होते हैं कि यार एक महीना बचा है हमारे पास. बट धीरे धीरे जैसे टाइम कटता जाता है, धीरे धीरे जब एक हफ्ता बचता है तब हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं और वो एक हफ्ते में हम टास्क कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमको हमारे माइंड को लगता है यार टाइम बहुत कम है, टाइम कॉन्स्टेंट है, एक ही हफ्ता बचा है. हमारा माइंड हमारे साथ गेम खेलता है कि यार दो महीना है प्रोजेक्ट के लिए, चलो आराम से करेंगे. और जब एक हफ्ता बचता है तब हम फटफट करने लगते हैं. तो आप अपने माइंड के साथ ट्रिक करो, अपने माइंड को गेम खेलो अपने माइंड के साथ कि भाई अपने आप को टाइम कॉन्स्टेंट दो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, मुझे ये जो 3 लेक्चर्स है ना वो एक महीने में कंप्लीट करना है, मुझे ये एक मॉड्यूल का लेक्चर प्लस रिवीजन एक महीने में कंप्लीट करना है. अपने आप को टाइम कॉन्स्ट्रेंट दो, अपने आप के अंदर माइंड में प्लानिंग करो कि इतने इतने स्लॉट में मैं इतना इतना करूँगा. तब देखो आपकी बॉडी और आपका माइंड कितना प्रोडक्टिव हो जाता है और कितने जल्दी काम करने लगता है. लास्ट एंड फिफ्थ स्टडी स्ट्रेटेजी इज द 60-second रिव्यू मेथड. नाउ व्हाट डज दिस मीन? रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 60 seconds आपको बस सोचना है कि आज के दिन पूरा मैं क्या करने वाला हूँ. एक्टिविटीज जॉट डाउन करनी है, पढ़ाई का जॉट डाउन करना है. देखो ये मैंने पिछले 2-3 महीने में नहीं कराता है, मेरी बैंड बज गई थी बिकॉज मुझे आदत है हमेशा कि भाई मैं डे हमेशा प्लान करती हूँ कि इस दिन में मेरी ये एक्टिविटी हो जानी चाहिए. ऐसा प्लान नहीं करना कि हाँ उठूंगी, ब्रश करूंगी, नहाने जाऊंगी, नाश्ता, ऐसा सब प्लान नहीं करना है. वी आर नॉट इन हाई स्कूल, वी आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, हम एक प्रोफेशनल है. तो मैं कैसे प्लान करती हूँ कि भाई आज मुझे ऑफिस जाके ये 2 मेन टास्क कंप्लीट करने हैं, मुझे घर आके वीडियो का बनाना है, एडिट करना है, ये मेरा हो गया डे का प्लानिंग. आप कैसे प्लान कर सकते हो कि भाई मुझे दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये आपका हो गया प्लानिंग. अब सुबह एक करोगे, दोपहर को एक करोगे, शाम को एक करोगे, अब इट्स अप टू यू. सो हमेशा 60 seconds उठने के बाद अपने आप को दो, प्लानिंग को दो एंड देखो कि आपका लाइफ और पढ़ाई कितना सिंप्लीफाई हो जाता है. सो यस गाइज, दिस वर माई स्टडी स्ट्रेटेजीज जिससे हम स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं, इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, ना कि हार्डवर्क करके स्टडी कर सकते हैं. एंड आई होप यू विल इम्प्लाई ऑल दिस स्टडी स्ट्रेटेजीज एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा. हम मिलते हैं बहुत जल्द. Bye. Best of luck.